हेलो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है आप सबका अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे अपनी हिफाजत में रखे और तंदुरुस्त रखे आमीन आज की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज मैं आपके साथ गार्लिक पोटैटो वेजेस शेयर करूँगी जिसके लिए मैंने ये आलू ले लिए हैं इनको धोकर अच्छी तरह काट लिया है और इनके पीस कर लूँगी और तमाम आलूओं के पीस करके के इसको हम पानी में थोड़ी देर भिगो के रखेंगे और उसके बाद इनको बॉयल करेंगे सिर्फ़ पाँच मिनट के लिए और इसी तरह आपने इसकी कटिंग करनी है ये देखिए आलू की कटिंग आपने इसी तरह से करनी है जिस तरह मैंने की है और इसके बाद इनको हम बॉयल करेंगे और फिर हम दो ये देखिए इसको अब हमने बॉयल करने के लिए रख दिया है और ये दो टीस्पून गार्लिक ग्रेट कर लिया है या चॉप कर लें और दो टेबल स्पून बटर भी ले लें और इनको थोड़ी देर एक एक मिनट के लिए माइक्रोवेव में इनको चला लें और गरम कर लें और फिर एक मिनट के बाद ये इसकी इस तरह से ये हो जाएगा और इसको एक साइड पे रख दें इसके बाद हम इसके बाद हम इसका बैटर सा कोटिंग के लिए बनाएंगे ये दो सर्विंग स्पून मैंने मैदा ली है इसमें हाफ़ टी स्पून नमक और क्रश की हुई ये मिर्चें हैं और ये भी हाफ टी स्पून है हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर है और ज़ीरा भी शामिल किया है और ये आलू जो हैं अब पाँच मिनट के लिए हमने बॉयल कर लिया और इसका पानी ड्रेन कर दिया है और ये बैटर भी इसको इस तरह करेंगे कि इसकी कोटिंग अच्छी तरह से उसमें हो जाए और इसको इसी तरह आपने बनाना है जिस तरह के मैंने इतना पानी डालें कि इस पर यह सारा बैटर कोट हो जाए इसके बाद हम एक कढ़ाई में ऑयल गर्म कर लेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे आपने ये तमाम आलू अगर तो आपकी कढ़ाई बड़ी है तो उसमें एक ही दफ़ा में कर लें अगर छोटी है तो फिर इनको दो दफ़ा में करें बिल्कुल बहुत ज़्यादा ना भर के करें क्योंकि ये फिर जुट जाते हैं इसी तरह देखें जिस तरह मैंने बैटर में इनको कोट किया है और अब आयल में डाल दिया है और इनको बहुत ज़्यादा अगर हम डालेंगे तो ये जुड़ जाएंगे और क्रिस्पी नहीं बनेंगे और इसको आपने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे नहीं करना तो ये देखिए एक दफ़ा मैंने निकाल लिए हैं अब ये दूसरी दफ़ा इसमें डाले हैं और ये जो हमने गार्लिक और उसका वो बटर का बनाया था उसमें अब हम तमाम वेजिस को उसमें डाल देंगे इनमें तमाम मसाले हमने डाल दिए थे पहले से ही इसमें अब और कोई मसाला नहीं डालना सिर्फ वो जो बैटर सा बना है गार्लिक और बटर का उसमें हम इनको मिक्स कर लेंगे ये देखिए जिस तरह मैंने बाउल में इनको मिक्स कर लिया है और अब ये तैयार हैं बस इसके ऊपर हम गार्निश के लिए हरा धनिया डाल लेंगे और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं इसको आप सॉस या केचप के साथ खाइए ये सब बड़े और छोटे हर तरह हर उम्र के लोग इसको पसंद करते हैं अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए और ये देखिए तैयार हो गए हैं और खाने में ये बहुत ही मज़े के हैं और आप ज़रूर बनाइए अपने बच्चों को भी खिलाइए और ख़ुद भी खाइए